राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। यह परम सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यह प्राकृतिक कारणों, बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण हो सकती है। आइए सुनते हैं एक ऐसे शख्स की मौत के संवादों की जो एक दुर्घटना में मारे गए। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम मुझसे पहली बार मिले थे। क्या हुआ, तुमने पूछा। मैं कहा हूँ, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, मैंने कहा। शब्दों को चबाकर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तो कैसे, सही में? हाँ, मैंने कहा। मैं मर गया, निश्चित रूप से। लेकिन बुरा मत मानो, सभी की मृत्यु तय है, मैंने कहा। तुमने चारों ओर देखा, शून्यता थी, सिर्फ तुम और मैं। यह जगह क्या है, तुमने पूछा। क्या यह स्वर्ग है या नर्क, उसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा, मैंने कहा। क्या तुम भगवान हो, तुमने पूछा। नेक संदेह, मैंने जवाब दिया। मैं ईश्वर हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, तुमने कहा, उनके बारे में क्या वे ठीक होंगे, यही देखना पसंद है मुझे, मैंने कहा। तुम अभी मरे हो और तुम्हारी मुख्य चिंता तुम्हारे परिवार के लिए है। तुमने मुझे मोह से देखा। तुम्हारी नजर में मैं भगवान की तरह नहीं दिखता था, मैं बस किसी आदमी की तरह दिखता था, या शायद एक महिला। कुछ अस्पष्ट प्राधिकरण आंकड़ा हो सकता है। सर्वशक्तिमान से अधिक, शायद एक शिक्षक जैसा दिख रहा था मैं। चिंता मत करो, मैंने कहा। वे ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे और बीवी तुम्हें बहुत प्यार और हर तरह से परिपूर्ण के रूप में याद रखेंगे। ओह, तो अब आगे क्या, स्वर्ग, नरक या कुछ और? नहीं, मैंने कहा। तुम पुनर्जन्म लोगे, तुमने कहा। तो हम सही थे, सभी धर्म अपनी जगह सही हैं, मैंने कहा। मेरे साथ चलो, हम कहाँ जा रहे हैं, विशेष रूप से कहीं नहीं, मुझे बात करते समय टहलना अच्छा लगता है। क्या फायदा, तुमने पूछा। जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं बस एक कोरा कागज बनकर रह जाऊंगा, एक नवजात शिशु। इस जीवन में मेरे सारे अनुभव और मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई मायने नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तुम्हारे भीतर तुम्हारे पिछले सभी जन्मों का सारा ज्ञान और अनुभव है, तुम्हें बस अभी वह याद नहीं। मैंने रुककर तुम्हें कंधों से पकड़ के कहा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कल्पना से कहीं अधिक शानदार, सुंदर और विशाल है। एक मानव मस्तिष्क में तुम जो हो उसका एक छोटा सा अंश ही समाहित हो सकता है। यह पानी में अपनी उंगली डालकर यह देखने के समान है कि वह गर्म है या ठंडा। तुम अपने आप का एक छोटा सा हिस्सा बर्तन में डालते हो और जब तुम इसे वापस बाहर लेते हो तो तुमको इसके सभी अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। तुम पिछले 40 वर्षों से एक मानव में हो, इसलिए तुम अभी तक पूरी तरह से खुल नहीं पाए हो और अपनी शेष विशाल चेतना को महसूस भी नहीं कर पाए हो। अगर हम यहाँ काफी देर तक रहे तो तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा, लेकिन प्रत्येक जीवन के बीच ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मेरा कितनी बार पुनर्जन्म हुआ है? काफी बार, बहुत सारे अलग अलग जीवनों में, मैंने कहा। इस बार तुम 540 ईस्वी में एक लड़की बनोगी जो एक बहुत ही सिद्ध अध्यापक बनेगी। रुको, क्या तुम हकलाए? आप मुझे समय में वापस भेज रहे हैं? समय जैसा कि तुम समझते हो केवल तुम्हारे ब्रह्मांड में मौजूद है। मैं जहाँ से हूँ वहाँ चीजें अलग हैं। आप कहाँ से हैं, तुमने पूछा। मैं सर्वव्यापक हूँ और मेरे जैसे और भी हैं। मुझे पता है कि तुम जानना चाहते हो कि यह कैसे और क्या है, लेकिन इस समय वह तुम्हारे समझ के परे है, मैंने समझाया। ओह, तुमने कहा हताश होकर। पर रुको, अगर मैंने अन्य समय पर और अन्य स्थानों पर पुनर्जन्म लिया है तो कभी न कभी मैं खुद से मिला होऊंगा।
यकीनन हर समय लेकिन दोनों केवल अपने जीवन काल के बारे में जानते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह घटित हो रहा है। तो इस सब का क्या उपयोग है? तुम वास्तव में मुझसे जीवन का अर्थ पूछ रहे हो? मैंने पूछा। लेकिन यह एक उचित सवाल है, तुमने जवाब के लिए जिद करते हुए कहा। तुम्हारी नजर से नजर मिलाते हुए मैंने समझाया, जीवन का अर्थ जिस कारण से मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वह तुम्हारे परिपक्व होने के लिए ही है। आपका मतलब मानव जाति है? आप चाहते हैं कि हम परिपक्व हों? नहीं, सिर्फ तुम मैंने तुम्हारे लिए यह पूरा ब्रह्मांड बनाया है। प्रत्येक नए जीवन के साथ तुम बढ़ते और परिपक्व होते हो और तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान और विशाल होते जाते हैं। केवल मैं, बाकी सब के बारे में क्या? कोई और नहीं है, मैंने कहा। इस ब्रह्मांड में बस तुम और मैं ही हैं। तुमने मुझे आश्चर्यचकित नजर से देखा, लेकिन पृथ्वी पर सभी लोग सब तुम हो, तुम्हारे अलग अलग पूर्ण जन अवतार। जरा रुको, मैं हर कोई हूँ। तुम्हारी पीठ को थपथपाते हुए मैंने कहा, अब तुम समझना शुरू कर रहे हो। मैं हर एक इंसान हूँ जो कभी भी जीवित था और है, तुमने आश्चर्यजनक होके पूछा। या जो कभी जीवित रहेगा, मैंने कहा। तुम विस्मय में चुप हो गए। हर बार जब तुमने किसी को पीड़ित किया, तुमने खुद को पीड़ित किया। तुमने जो भी दया का कार्य किया है, वह अपने लिए किया है। किसी भी इंसान द्वारा अनुभव किया गया हर सुखद और दुखद क्षण तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया था या होगा। तुमने लंबे समय तक सोचा। क्यों? यह सब क्यों? तुमने मुझसे पूछा। क्योंकि किसी दिन तुम मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि तुम वही हो, तुम मेरी तरह हो, तुम मेरे बच्चे हो। एक बार जब तुम पूरे समय के सारे इंसानों के जीवन को जी लेते हो, तो तुम जन्म लेने के लिए पर्याप्त हो जाओगे। तो पूरा ब्रह्मांड, तुमने कहा, यह सब तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने समझाया।